बड़ी खुशी की बात है तमाम मुसलमानों को और हिंदुस्तान के हर एक शहरी को। टीपू सुल्तान की आज जो जन्मदिन है सबको मुबारकबाद। और आज बहुत खुशी के मौके पर हमारे सिटी के पूरे बच्चे आज यहाँ पे डेकोरेशन किए हैं और हमारे गरीबुल्लाह सर जो यहाँ के सोशल वर्कर है बच्चों को लेके बहुत अच्छा काम किए। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में इससे अच्छा काम करें। और एक बार हजरत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह एक ऐसे बादशाह थे, ना ऐसा बादशाह आया है ना आएगा। और उनके आज आज जो उनके जन्मदिन या इसके मौके के ऊपर बहुत खुशी होती है कि जो बच्चे सब मिलके करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आने वाले साल इससे भी बड़े पैमाने पर करेंगे इंशाल्लाह। और बहुत सारे लोग जो टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के बारे में गलत फहमियाँ फैलाते हैं वैसे नहीं है। हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह खाली एक ही कौम के बादशाह नहीं थे, हर कौम को लेके चलने वाले बादशाह थे। उनके बारे में गलत गलत अफवाहें करते हैं वो लोगों को जानना चाहिए कि हज़रत टीपू सुल्तान की हिस्ट्री के उन्होंने बहुत सारे गैर मजहबी भी जो हमारे भाई हैं उनको लेके उन्होंने अपनी एक हिस्ट्री बनाई है। वो लोगों से हमारी गुजारिश है कि उनकी हिस्ट्री पढ़े। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, आज बल्लगत में नौजवानों ने टीपू सुल्तान अलैह रहमा का यौम विलादत मनाया है। तमाम नौजवानों से गुजारिश है कि टीपू सुल्तान अलैह रहमा की यौम विलादत मनाने के साथ साथ आप उनकी सीरत का भी मुताला करें, उनकी सीरत को पढ़ने की कोशिश करें। अगर आप टीपू सुल्तान अलैह रहमा की सीरत पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा टीपू सुल्तान अलैह रहमा जहाँ एक बहादुर जंगजू थे, मुजाहिद थे, वहीं आप नमाज के पंजगाना पाबंद भी थे और कुरान की तिलावत भी किया करते थे। जहाँ आप वतन से मोहब्बत किया करते थे वहीं दीन इस्लाम से भी आपकी मोहब्बत थी। आप अपने और बेगानों में कभी फ़र्क नहीं करते थे, आप अपनों के लिए भी अदल इंसाफ किया करते थे, गैरों के लिए अदल इंसाफ किया करते थे। अगर आप तारीख उठाकर देखेंगे तो इंशाअल्लाह आपको पता चलेगा कि आज जो नौजवानों नशे की हालत में है, जो गांजा शराब पी रहे हैं, तारीख में लिखा गया है कि टीपू सुल्तान अलैह रहमा ने शराब पर बिल्कुल पाबंदियाँ लगा दी गई थी। जब उनके वज़रा ने कहा हज़रत से कि आप शराब पर पाबंदियाँ लगाई है उसकी वजह से आमदनी में कम हो रहा है, तो टीपू सुल्तान अलैह रहमा ने कहा था आप आमदनी का सोच रहे हैं, मैं नौजवान नस्ल का सोच रहा हूँ। ये वो नौजवान नस्ल है, हमें आमदनी से ज़्यादा इनके मुस्तकबिल को रोशन करना है। और ये नौजवानों अगर आप टीपू सुल्तान अलैह रहमा का दिन मना रहे हैं तो साथ ही साथ टीपू सुल्तान अलैह रहमा के फरामीन पर भी अमल करें, अपनी जवानी पर रहम खाएं, अपने आप को नशे और दिगर खुरफात से बचाइए। आज फिर ज़रूरत है मुल्क हिंदुस्तान को, तमाम नौजवानों को एक होकर हमारे इस वतन की हिफाजत की जाए, ताकि आखिर हिंदुस्तान में फितनों का माहौल है, हर कोई हिंदुस्तान पर निगाहें गाड़ा हुआ है, यहाँ पे अफरा तफरी का माहौल बनाने की कोशिश की जाए। हिंदुस्तान की हिफाजत के लिए, अंग्रेज़ों को भगाने के लिए अपनी जान अपना तन मन धन सब कुछ हिंदुस्तान पे कुर्बान किया था, तो आप भी बहादुरी शुजात के साथ इल्म दीन हासिल करते हुए, नमाजों की पाबंदी करते हुए घर आए, अपने मुल्क की हिफाजत के लिए काम आए, तो इंशाल्लाह सही मानों में फिर हम टीपू सुल्तान अलैह रहमा का दिन मनाने वाले उनके मानने वाले कहलाए जाएंगे। यही सबसे मेरी गुजारिश है कि हर नौजवान कोशिश करे अपने आप को शराब गांजा और इन बुरी आदतों से बचाए और टीपू सुल्तान अलैह रहमा के नक्शे कदम पर चलते हुए नमाजों की कुरान की तिलावत करते हुए मुल्क अजीज़ की तरक्की के बारे में फिक्रमंद रहे। अल्लाह की बारगाह भी दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम को
एक होकर मोहब्बत के साथ हमारे इस मुल्क अजीज की तरक्की में कोशा रहने की तौफीक अता फरमाए, हमारे इस मुल्क की हिफाजत अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारे इस मुल्क से हर फितने को दूर अता फरमाए। अल्लाह ताला अपने हबीब के सदक़े में फिर टीपू सुल्तान अलैह रहमा के सर के मुजाहिदीन हमारे इस मुल्क में पैदा अता फरमाए। फिर हिंदुस्तान में नफरतों का बोलबाला हो रहा है मौला, फिर हिंदुस्तान में हिंदुस्तान में गुलामी बनाने की कोशिश की जा रही मौला, टीपू सुल्तान अलैह रहमा के सदक़े में मौला हमारे इस मुल्क अजीज में अमन अमान अता फरमा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। आज 20 नवंबर योम टोपियों मनाया गया है आजमनगर सर्कल में। हर साल की तरह इस साल भी सभी लोग ये APJ अब्दुल कलाम फाउंडेशन और हमारे आजमनगर के ऑटो स्टैंड उनकी तरफ से और यहाँ के यंग कमेटी के तरफ से
ये 20 नवंबर योम टीपू मनाया गया है, जिसमें स्वीट जो रूह अफजा है हमें तकसीम किया है। कुछ लोगों की साजिश चल रही है कि इनका नाम मिटाने की, तो इंशाल्लाह हम उसको मिटने नहीं देंगे। जब तक हमारे रगों में जो खून दौड़ रहा है उनका, तो आने वाली नस्लों को भी हमें मैसेज देते रहेंगे, उन्हें बताते रहेंगे कि इनका जो भारत देश में इनको फर्स्ट मिसाइल मैन माना जाता है भारत देश में, तो उनकी एक मिसाल याद आती है कि गिदड़ की 100 साल ज़िंदगी शेर की एक दिन की ज़िंदगी बेहतर है। तो मैं हमारे बेलगाम नॉर्थ आसिफ राजू सेठ का उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, और हमारे आजमनगर एपीजी जो एपीएमसी पुलिस डिपार्टमेंट का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।